क्या कुछ मकसद रहा और कितना सार्थक रहा यार? देखिए दमों में पिछले एक महीने में 9 से ज्यादा दलितों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं घटी और कई में तो हत्याएं। जो दो बड़े मामले, एक जो है देवरान का जो मामला है जिसमें 3 लोगों की हत्या की गई, पिता माँ और पुत्र की, वो बहुत दर्दनाक है। मैं उनके परिवार से मिलने और उनका दुख बांटने और उनको ये विश्वास दिलाने कि अगर वो सब लोग भी उनके खिलाफ हो जाएंगे तो हम लोग उनके साथ हैं, मैं उनके परिवार से मिलने गया था। जब मैं उनके परिवार से मिला तो मैंने जो जाना वो बहुत डरावना है। वो इतने सीधे लोग हैं कि उनकी ज़मीन पे कब्जा हुआ, मकान बना लिया गया, उन्होंने कोई उसका विरोध नहीं किया। लेकिन उस दिन उस मानक को गोली मारी गई, उसके पिता को, उसकी माँ को, और जब तक वो मरे नहीं तब तक उनकी नब चेक कर करके कुल्हाड़ी से और पत्थर से उनके ऊपर हमला किया गया। और ये सब इसलिए हो रहा है, जहाँ तक मैं मानता हूँ, कि जब आप अन्याय का अपराध को या अन्याय को रोकने में विफल हो जाते हैं तो इससे अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं। यहाँ अपराधियों को सत्ता का संरक्षण है, यहाँ अपराधियों को प्रशासन शासन का संरक्षण है, उसके कारण अपराध बढ़ रहा है। और यहाँ कमजोर वर्ग के लोग डर गए हैं। वो जो परिवार, जब मैंने उनको सुना, वो कह रहा है कि मैं हमारे दो घर में यहाँ रहेंगे कैसे, वो लगातार धमकी दे रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उस दिन 17 लोग थे। मैंने अभी अधिकारियों से बात की, मैंने उनसे कहा कि आप उनकी दूसरी एप्लीकेशन लेके जो वहाँ मौजूद थे, किसी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं करें लेकिन किसी दोषी को ना छोड़े, क्योंकि वो दोषी जब बाहर रहेगा तो अपनी जान बचाने के लिए उन दो भाइयों को, क्योंकि लगातार धमकी मिल रही है, उनको नुकसान पहुँचा सकता है। उनके 4 बच्चे हैं, बड़ा बच्चा हो सकता है 10 साल का, उन बच्चों का क्या होगा? उनके पास रहने को घर नहीं है। उनके घर पे मैं गया, एक सोने के लिए खाट एक बेड भी नहीं है, वो जमीन पे सब लोग सोते हैं। उनका एक छोटा भाई, इसको गोली लगी, महेश, कल वो डिस्चार्ज करवा दिया गया जबरन, उसका जख्म नहीं भरा, उसका जख्म अभी हरा है, उसको झुका तो दर्द है, उस पर लेटने को जगह नहीं, लेकिन जबरन इसलिए डिस्चार्ज करा गया, जिससे कि, क्योंकि मैं वकील होने के नाते जानता हूँ, जितने दिन वो यहाँ रहता अस्पताल में उनका केस मजबूत होता है और वो मुख्य गवाह भी है, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए थी, उसको जिंदा रहे तब बेहतर है अगर हम न्याय कराना चाहते हैं, लेकिन लापरवाही की जा रही है। मैं तो समझता हूँ कि इस घटना में शासन प्रशासन का पूरा सहयोग है जिससे कि वो मर जाए। तो मैंने यहाँ जिलाधिकारी जी से और एडिशनल SP उनसे ये मांग की है कि उसको आप हॉस्पिटल में भी एडमिट कराओ और जो डर का माहौल है, जो बचे हुए आरोपी उनको, उनकी गिरफ्तारी कराओ। मुख्य वजह क्या लगती है आपको, क्यों हत्याकांड हुआ है? मैं जब वहां गया और मैंने पूछा पुलिस क्या कह रही है, SP क्या ट्वीट कर रहे हैं, मुझे इस पे कोई वो नहीं करना, क्योंकि वो तो सरकार के सारे पे पूरी घटना को, क्योंकि ट्रिपल मर्डर है और चौथा भी मर जाता है जिसके गोली लगी हुई है, जो बाकी लोगों ने भाग के जान बचाई, वहाँ बच्चों की भी जान जा सकती थी। तो मैं समझता हूँ उन्होंने मुझे बताया कि वो उस जमीन को कब्जाना चाहते हैं और वो रोज जाते सूचक गालियाँ देते हैं। जब ये घटना सुबह हुई, उनको वो गालियाँ दे रहे थे, उन्होंने कहा, इस परिवार ने जो पीड़ित है, कि हम जाके इनके एप्लीकेशन को दर्ज कराते हैं, और इस बात पे उसने आके गुस्से में ये पूरा वो कर दिया। सब लोग शामिल थे परिवार के और सब अधिकारी कर्मचारी इस बात को जानते हैं, सबको पता है। मैंने कुछ मांगे पहले, मैं आपके आगे रख दूं, और मैंने कहा ना, ये 9वीं घटना है एक महीने के अंदर। मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे, एक सेकंड, जब पुलिस अधीक्षक ने ट्वीट किया है कि वो छेड़छाड़ को लेके हुए, इस पे आप कितने से? हाँ, मैं ये बात भी बता देता हूँ कि छेड़छाड़ किसने की, उसकी माँ ने या उसके अपाहिज पिता ने, विकलांग, वो जो पैरालिसिस जिनको हुआ है, या वो जिनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर कोई ऐसी घटना होती तो मैं उसका बिल्कुल विरोध करता, लेकिन मुझे शर्मिंदगी इस बात पर है कि वर्दी पहन के लोग जो है खादी जैसी भाषा बोलना, ये अच्छा नहीं है। मैंने उनसे भी पूछा FIR, वो गांव के लोग हैं, उनका किसी झगड़ा नहीं, पहला कोई विवाद नहीं, वो वकील नहीं है, वो क्रिमिनल, उसके मानसिकता के लोग, उनको क्या पता एप्लीकेशन में क्या लिखवाना है, जो पुलिस ने बताया वही लिख दिया है और फिर पुलिस ने वही ट्वीट कर दिया है। आप और मैं नहीं जानते कि सत्ता के दबाव में किस तरह कार्रवाई, अभी यहाँ के जिलाधिकारी को क्या नहीं कहा, यहाँ के विधायक ने, आपने नहीं देखा? तो पुलिस प्रशासन और शासन भी ऐसे लोगों का सम्मान करता है, जो गरीब लोग हैं, जिनके टैक्स से जो अधिकारियों को तनख्वाह मिली, उनका सम्मान नहीं होता है। तो यहाँ दलितों के लिए प्लान जैसी स्थिति बनी हुई है और सरकार तमाशबीन बनी हुई है। मुझे यहाँ के मुख्यमंत्री को भी तरस आता है कि वो कमजोर वर्ग का खुद को बताते हैं लेकिन उनके साथ होने वाले अन्याय पर चुप्पी थाम लेते हैं। ये डरावना, ये सरकार दलित विरोधी, इसलिए मुझे आना पड़ा कि अभी तक बाकी लोग गिरफ्तार नहीं हुए। तो मेरी कुछ मांगे जो है यहाँ परिवार से हमने बात करके जो रखी हैं, और जो समाज की मांग है कि जो बाकी आरोपी हैं उनका FIR में नाम बढ़ा के उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो, जिससे कि वो कोई खतरा ना परिवार को पहुँचा सके। दूसरी, परिवार को 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए,
तीसरी मृतक जो है माना कहीं उसकी पत्नी को एक सास की नौकरी दी जाए, उसके चार बच्चों का क्या होगा, ये तो मुझे लगता है इस घटना के बाद शायद कोई उनको पूछेगा भी नहीं कुछ दिन के बाद। तो पीड़ित परिवार को 5 एकड़ कृषि भूमि दिया जाए, एक भाई घायल है और दूसरा अपनी जान की को किसी तरह से बचाए बैठा हुआ है घर में, और दोनों शादीशुदा हैं, बाहर भी नहीं जा पाएंगे काम करने के लिए, कहां दुश्मन गोली चला दे, कहां उनकी हत्या कर दे, कुछ भी पता नहीं है। पीड़ित परिवार के आंगन में अवैध जो मकान बना हुआ है, जो उनको कब्जा करके बनाया है, उसको ध्वस्त किया जाए। आत्मरक्षा हेतु उनको सशस्त्र लाइसेंस जो है सरकार दे, और उनके बच्चे जो हैं चारों बच्चे मानक के जो आज नहीं रहे दुनिया में, उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी वो सरकार के लोग प्रशासन के लोग लें। और घायल महेश अहिरवार जिसके बारे में मैंने बताया कि उसके घायल होते भी उसको डिस्चार्ज करा दिया गया, इससे केस कमजोर हो जाए। और कल यहाँ के जिलाधिकारी को फ़ोन किया प्रदेश अध्यक्ष ने, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी उनको वापस जो एडमिट कराता हूँ, फिर नहीं कराया, वो होश में भी नहीं है, ऐसी हालात में उसको मरने के लिए छोड़ देना ये घोर लापरवाही। तो इसलिए उसका जो है निःशुल्क इलाज हो, अच्छा इलाज हो, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चल के इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। जो अंतिम मांग है, जो एक्ट भी कहता है रिहैबिलिटेशन, कि वो परिवार वहाँ डर के साए में, सरकार उनको शहर में यहाँ रहने की जगह दे, जिससे कि भविष्य में उनके साथ कोई ऐसी घटना ना, क्योंकि घटना होने के बाद हम सिर्फ उनको आरोपी पक्ष को पढ़ के उनको जो है जेल भेज सकते हैं, नया दरार, लेकिन उनको वापस नहीं ला सकते। तो जो इसी मानसिकता के लोग हैं उनके खिलाफ मेरा कहना ये है कि उनको वहाँ से, जबकि एक्ट तो कहता है कि बाकी लोग हटें जो आरोपी हैं, लेकिन मैं कहता हूँ उस परिवार को सरकार शहर में रहने की जगह दे, कि उनकी जान सुरक्षित रहे और वो अपने परिवार, वो आज़ाद भारत में आज़ाद जी सके। अब आप अपने जिस विधानसभा से ये घटना हुई है वहाँ से बीएसपी विधायक राम भाई हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब ये बीएसपी के नेताओं को और उनकी पार्टी के सीनियर नेताओं को सोचना चाहिए कि अगर उनके विधायक ही कमजोर वर्ग के लोगों को सताने काम करेंगे इन्हीं की वोट लेके, तो लोकतंत्र में इससे बड़ा जो त्रासदी तो कोई नहीं हो सकती कि उन्हीं का वोट लेके उन्हीं का कत्ल कराया जाए और उन्हीं का आरोपियों का संरक्षण बीएसपी के विधायक करें, ये डरावना है। आपने कहा हम एक महीने में 9 घटनाएं घटी, ऐसी कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हैं इस घटना को छोड़कर? हाँ, मैं बिल्कुल उनका जिक्र कर देता हूँ आपके सामने। 8 अक्टूबर को रनहे